नमस्कार दोस्तों, आज सुबह की बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। अफगानिस्तान के ऊपर पूर्णतया जो है तालिबान ने कब्जा कर लिया है और अभी अभी खबर ये आ रही है कि तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया है और वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं गनी वो यहाँ से भाग चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी जो है खबर आ रही है और इसमें जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत ही बुरी तरीके से जो है कब्जा हो चुका है और पूर्णतया जो है एक समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान जो है गुलाम हो चुका है। तो तालिबान ने जो है एक बार फिर से जो है गुलाबी की जंजीरों में जकड़ लिया है अफगानिस्तान को। दोस्तों आज सुबह की बहुत बड़ी खबर आ रही है और राष्ट्रपति भवन समेत कई जगहों पर जो है इस समय जो है कब्जा हो चुका है और जो भारतीय दूतावास के जो अधिकारी थे वो भी भारत वापस बुलाए जा चुके हैं। तो दोस्तों आज सुबह की बहुत बड़ी खबर जो है निकल के सामने आ रही है। दोस्तों जो भी अपडेट होगा वो मैं आपको देता रहूँगा और इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि काबुल पर भी पूर्णतया जो है इस समय तालिबान ने कब्जा कर लिया है, पूरे काबुल शहर पर जो है कब्जा कर लिया है। तो अफगानिस्तान एक प्रकार से जंजीरों में जकड़ चुका है और वहाँ के जो भी मुख्य अधिकारी हैं वो दूसरे देशों को भाग चुके हैं। तो एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा जो है कब्जे में आ चुका है पूरा पाक, और इसका जो है पूरा सपोर्ट जो है पाकिस्तान से मिल रहा है तालिबान को। अब देखना ये होगा कि अब क्या पूरा और कोई देश आता है या फिर यहीं से जो है विश्व युद्ध की जो है स्थिति उत्पन्न होती है, ये देखने वाली बात होगी। तो दोस्तों आप बने रहिएगा हमारे साथ, पूरी अपडेट आपको देते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ सुबह फिर से 10 बजे। तब तक के लिए आप दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।